हेलो एवरीवन माय नेम इज़ नदीम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अकेडमिया तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर तो अभी हमारा चैप्टर टू रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ चल रहा है क्लास सेवन पोलिटिकल साइंस की बुक है ये मेरी सारी क्रीडेंशियल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है हमारे टोटल इसमें एट चैप्टर्स है अभी हमारा सेकेंड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है इसके बाद ये तीन टॉपिक्स हैं सिमिलर टॉपिक हैं पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज किस तरीके से होती हैं और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज किस तरीके से होती हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज को यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ठीक है तो चलिए अपना चैप्टर जो है उसको शुरू करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज तो पब्लिक आपको पता है पब्लिक गवर्नमेंट जो होती है वो चलाती है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज और प्राइवेट जो है कोई ग्रुप भी हो सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं ठीक है फ्रॉम द अब स्टोरी यू मस्ट फैसिलिटी इन टू कैटेगरीज यहां पर मैंने दो पिक्चर लगाई हैं। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में से पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल कौन सा है तो यहां पर कौन सा है ये ये है प्राइवेट ठीक है और यहां पर ये हॉस्पिटल है पब्लिक गवर्नमेंट ठीक है तो चलिए इसको और अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज सो द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स अगर हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें तो उसके अंदर एक चैन मानी जाती है हेल्थ सेंटर्स की और हॉस्पिटल्स की और ये जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं उनको कौन चलाता है कौन उनको ऑपरेट करता है जैसे यहां पर देखा पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज को गवर्नमेंट ऑपरेट करती है ठीक है दे आर लिंक्ड टुगेदर और जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं एक दूसरे से लिंक्ड अप होते हैं लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से और ये जो है दोनों रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों को कवर करते हैं अब गवर्नमेंट है गवर्नमेंट तो रूरल एरिया की भी होती है और अर्बन एरियाज की भी होती है ठीक है तो गवर्नमेंट यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि भाई अर्बन लोगों को ये फैसिलिटी दे दी जाए रूरल को ना दी जाए तो यहां पर क्या है ये जो हेल्थ सेंटर्स है दे कवर बोथ रूरल एरिया यानी कि जो गांव के जो इलाके होते हैं और अर्बन एरिया जो शहरी इलाके होते हैं ठीक है और कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अब जितनी भी डिसीज होती है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है जो कि एक ह्यूमन बींग फेस करता है तो गवर्नमेंट क्या करती है हर तरीके की प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट देती है चाहे वो कॉमन इलनेस हो बुखार कोल्ड फीवर ये सारी चीजें हो या फिर कोई स्पेशल सर्विसेज दी जाए यानी कि जो बड़ी जो डिसीजे होती है कैंसर टाइप ठीक है स्पेशल सर्विसेज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में दी जाती है अगर हम विलेज लेवल की बात करें गांव के स्तर की बात करें तो वहां पर बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स देखने को मिलते हैं जिनका छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है लेकिन हर एक गांव में वो देखने को मिलते हैं जहां पर जो मेडिकल स्टाफ होता है वो होता है वहां पर एक नर्स होती है ठीक है एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर और एक हेल्थ वर्कर होता है जो कि विलेज का सुपरवाइज करता है देखता है विलेज के लोगों की हेल्थ किस तरीके से है ठीक है तो ये जो हेल्थ वर्कर होते हैं और जो नर्सेज होती है ये ट्रेंड होती है किस चीज में ट्रेंड होते हैं डीलिंग विथ कॉमन इलनेसेज जो कॉमन इलनेस होते हैं गाँव के लोगों को एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स अब ये डॉक्टर्स नहीं, नहीं, नहीं होते नर्स जो डॉक्टर नहीं होते और जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो भी डॉक्टर्स नहीं होते लेकिन ये सुपरविजन में काम करते हैं उनकी देखरेख कौन करता है डॉक्टर करता है किस लेवल पर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तो गांव के अंदर वहां पर विलेज लेवल पर पी होते हैं पीएचसी में कौन बैठता है डॉक्टर बैठता है और डॉक्टर सुपरविजन करता है नर्सेज का और हेल्थ वर्कर्स का ये हेल्थ वर्कर्स हेल्थ सेंटर्स में काम करते हैं और प्रोवाइड करते हैं मेडिकल सर्विसेज ठीक है तो ये जो सेंटर से हेल्थ सेंटर्स है सच अ सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस इन अ रूरल एरियाज तो ये पी जो है ये आ, विलेज लेवल पर काम करते हैं अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ठीक है जिला लेवल की अगर हम बात करें इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखने को मिलता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और फैसिलिटीज के मामले में हेल्थ सेंटर से काफी अच्छा होता है दैट ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स और जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ही अंडर होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनको सुपरवाइज करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से ठीक है लार्ज सिटीज अगर हम बड़ी बड़ी सिटीज की बात करें जैसे दिल्ली हुआ मुंबई हुआ ठीक है कोलकाता हुआ चेन्नई हुआ तो जितनी भी लार्ज सिटीज होती है वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा होता है काफी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज यहां पर देखने को मिलती है और यहां का जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम होते हैं जैसे कि हमने अमन के केस में देखा था अमन को जब वायरल फीवर हुआ था तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गया था अपना इलाज कराने के लिए ठीक है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेयर अमन वॉज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ठीक है बहुत सारे स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहां पर हेपेटाइटिस कैंसर इस तरीके की जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है उन, उनका इलाज होता है ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यहां पर देख सकते हैं आप ठीक है ये गांव विलेज के लेवल पर है है नर्सिस और हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर देख सकते हैं आप प्राइमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये और ये हॉस्पिटल्स हैं ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में यहां पर बताया गया है ठीक है अब ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है यहाँ पर पब्लिक वर्ड आपने देखा होगा तो ये पब्लिक जो वर्ड है ये क्यों यूज होता है द हेल्थ सर्विस इज कोल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन अब इसके बहुत सारे रीजन है यहां पर पब्लिक यूज हो रहा है सबसे पहला रीजन है इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन अब जो भारत सरकार है भारत सरकार अपने जितने भी सिटीजन है जितने भी नागरिक है उनको क्या प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो यहां पर जितने भी सिटीजन है सब इसके अंडर कवर होते हैं तो यहां पर पब्लिक इस वजह से भी यहां पर लिखा गया है द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर्स अब दूसरे पब्लिक यहाँ पर इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं और जो गवर्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े ये सारे गवर्नमेंट ने ही एस्टेब्लिश किए हैं गवर्नमेंट ने ही बनाए हैं पब्लिक के लिए आम लोगों के लिए तो यहाँ पर पब्लिक वर्ड का यूज़ इसलिए किया जाता है ऑल्सो द रिसोर्स नीडिड टू रन दीज सर्विसेज आर ओपटेंड फ्रॉम द मनी दैट वी द पीपल और द पब्लिक पे द गवर्नमेंट एज टैक्सेज अब यहां पर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज इसलिए भी कहा गया है कि इसके अंदर जितने भी मशीन्स हैं जितने भी रिसोर्सेज हैं एक हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ सेंटर्स के अंदर जो कि इलाज के लिए इक्विपमेंट काम आते हैं तो उनका जो खर्चा होता है वो लोग जो पब्लिक होती है वही पे करती है यानी कि पब्लिक के पैसे से ही ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलते हैं जो पब्लिक टैक्स देती है और उन टैक्स से जो है इन हॉस्पिटल्स का खर्चा चलता है सच फैसिलिटीज आर मीन फॉर एवरी अब क्योंकि यहाँ पर पब्लिक पे करती है इस हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चलाने के लिए पब्लिक पे करती है तो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ये जितने भी लोग हैं भारत के अंदर उन सब के लिए होते हैं ठीक है यहाँ पर कोई भी ऐसे इंडिविजुअल नहीं है जो क्लेम कर सके कि ये हॉस्पिटल सिर्फ मेरा है और इसी कास्ट के लोग यहां पर जा सकते हैं नहीं होता यहां पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो सारी पब्लिक के लिए होते हैं अगर हम बात करें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज दैट सबसे अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें तो यहां पर जो है क्वालिटी हेल्थ दी जाती है सबसे पहले तो इट इज़ मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज यहां पर जब आप जाओगे तो हेल्थ केयर सर्विसेज काफी अच्छी देखने को मिलेगी इधर फ्री और एट लो कॉस्ट बहुत ही ज्यादा फ्री और न्यूनतम कॉस्ट पर यहां पर हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती है अब इससे क्या फायदा होगा इससे ये फायदा होगा कि जो समाज के अंदर जो पुअर लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ठीक है जिनके पास रोटी कपड़ा के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो ऐसे लोग भी अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है अब इंसान तो देखो पुअर भी होते हैं रिच भी होते हैं दोनों को ही बीमारी लग सकती है अब यहाँ पर पुअर लोग क्या होते हैं वो इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा पाते लेकिन जो गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज होती है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं ठीक है अगर उनको बड़ी बीमारी भी हो जाती है फिर भी अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर to टू टेक एक्शन टू प्रीवेंट द स्प्रेड ऑफ such as टीबी मलेरिया jaundice, कोलेरा डायरिया चिकनगुनिया तो ऐसी जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है वोटरबोन डिसीजेज होती है ठीक है ठीक है तो इस तरीके की जो डिसीजे होती हैं उनको रोकने में भी ये हेल्थ केयर सेंटर जो है काम आते हैं वहाँ से हेल्थ वर्कर्स आते हैं वो जो है अवेयरनेस फैलाते हैं सोसाइटी के अंदर कि किस तरीके से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं गवर्नमेंट क्या करती है बहुत सारे जो आ, इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज भी करते हैं इन चीजों की अवेयरनेस फैलाने के लिए दिस हैज टू बी ऑर्गेइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव तो गवर्नमेंट क्या करती है पीपल पार्टिसिपेशन भी इन्श्योर करती है कि भाई जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि और अच्छे तरीके से अवेयरनेस फैल सके लोग एजुकेट हो सके शिक्षित हो सके ताकि ये जितनी भी बीमारी है उनको दूर भगाया जा सके फॉर एग्जाम्पल वेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन वॉटर कूलर रूफटॉप दैट हैज टू बी डन फॉर ऑल हाउस इन द एरिया यहां पर ये यह अच्छा एग्जाम्पल है इसका अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी सो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइमरी ड्यूटी अब यहां पर देखिए प्राइमरी ड्यूटी है किसकी गवर्नमेंट की हमारी जो भारत सरकार है उसकी सबसे प्राइमरी ड्यूटी ये है कि टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हमारे जो इंडियन पीपल है चाहे वो किसी भी कास्ट से हो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो ठीक है पुअर भी हो सकते हैं रिच भी हो सकते हैं उनका जेंडर भी कुछ भी हो सकता है लेकिन सभी का वेलफेयर करना है हमारी भारत सरकार का ये प्राइमरी ड्यूटी है और उन सभी लोगों को प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल ठीक है जितने भी लोग हैं भारत के नागरिक हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए अब ये किसके अंडर होता है द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट right है तो इस फंडामेंटल राइट right को बचाने के लिए गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज देती है इस तरीके से वेलफेयर करती है लोगों का ठीक है इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन अगर जो कोई भी हॉस्पिटल इस तरीके के जो मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं वो प्रोवाइड ना करवा पाए किसी इंसान को किसी इंडियन पीपल को इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बींग गिवन यानी कि जितना भी ये जो राइट टू लाइफ है ये अच्छे तरीके से इसको सेफ नहीं किया गया अगर जो वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलती है द कोर्ट ऑलो सेट दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कोर्ट और क्या कहता है कि इट द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी नेसेसरी हेल्थ हेल्थ सर्विसेज तो जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड कराए इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि अगर इमरजेंसी है किसी पेशेंट को उसको पेन हो रहा है अपडोमन में या कहीं भी कुछ भी इमरजेंसी है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो बनाए गए हैं और उनकी वो प्राइमरी ड्यूटी है ठीक है हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें और मेडिकल स्टाफ की अगर बात करें जो कि हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट और जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है डॉक्टर हैं नर्सेज हैं ठीक है मेडिकल वर्कर्स हैं जितने भी मेडिकल स्टाफ है वो नेसेसरी ट्रीटमेंट देने के लिए उनकी ड्यूटी होती है अगर हम बात करें प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की वो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज था और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज थोड़ा अलग होता है उसके बारे में देखते हैं देर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज एग्जिस्ट इन अवर कंट्री अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज में बहुत ही ज़्यादा तादाद में देखी जाती हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें प्राइवेट क्लिनिक्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा नंबर में देखने को मिलते हैं लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रन देयर ओन क्लिनिक्स अब हम अगर डॉक्टर्स की बात करें ठीक है डॉक्टर क्या करते हैं डिग्री लेकर अपने प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं और वहां से लोगों का इलाज करते हैं ठीक है तो ये भी काफी अच्छी बात है कि लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर इस मेडिकल प्रोफेशन में है इन द रूरल एरियाज अगर हम रूरल एरियाज की बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर एम पीज अब इन्हीं को आर एम पीज बोला जाता है रूरल एरियाज में ठीक है आरमपीज देखने को मिलते हैं जो कि रूरल एरिया के जो लोग होते हैं जो विलेजर्स होते हैं उनका इलाज करते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें शहरी इलाकों की बात करें सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स तो वहां पर जो है बहुत ही डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं मेनी ऑफ देम प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विसेज अब बहुत सारे डॉक्टर क्या होते हैं स्पेशलाइज उनका सर्विस uh, होती है ठीक है कोई किसी में स्पेशलाइजेशन लेता है कोई किसी बीमारी में स्पेशलाइजेशन लेता है इलाज करने में तो वो उस तरीके की भी चीजें अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है अब ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ये जो नर्सिंग होम्स होते हैं ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं इंडिविजुअल इसको ओन करते हैं कोई गवर्नमेंट का इस पर हस्तक्षेप नहीं होता है ठीक है सो देर आर मेनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट बहुत सारी टेस्ट लेबोरेटरीज भी होती है जहां पर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं अल्ट्रासाउंड का एपडोमन का टेस्ट कराते हैं एक्सरेज कराते हैं तो इस तरीके से जो टेस्ट होते हैं ये लेबोरेटरीज में देखने को मिलते हैं सो देर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन और बहुत सारी अलग अलग शॉप्स भी होती है मार्केट्स के अंदर जहां से आप मेडिसिन खरीद सकते हैं ठीक है तो बहुत सारी शॉप्स भी देखने को मिलती है एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है और इसमें जो अधिकार होता है नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एक कंट्रोल में नहीं आती गवर्नमेंट के प्राइवेटली ओन्ड होती है तो अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसज इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ दी जाती है मेडिसिन दी जाती है जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट लेता है कोई कॉमन ट्रीटमेंट लेता है कोई लेबोरेटरीज में जाके एक्सरेज कराते हैं ब्लड टेस्ट कराते हैं तो जितनी भी फैसिलिटीज दी जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जो पेशेंट होते हैं जो पेशेंट होते हैं उनको क्या करना पड़ता है दे हैव टू अलॉट ऑफ मनी यानी कि जैसे हमने देखा था, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में फ्री इलाज होता है, या बहुत में होता है। लेकिन प्राइवेट में जो पैसा है वो ज्यादा लगता है हर सर्विस का वहां पर पैसा देने को मिलता है गवर्नमेंट अगर जो डॉक्टर से मिलना है तो हो सकता है वहां पर पांच सौ रुपए देने पड़े रजिस्ट्रेशन के लिए अगर एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराना है तो उसका अलग चार्जेस होंगे ठीक है अगर जो मेडिसिन लेनी है शॉप से तो उसके अलग चार्जेस होंगे तो कुल मिला के यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है पेशेंट का हर सर्विसेज को यूज़ करने के लिए यह था प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में आई होप कि आपको समझ में आया है यह प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अंदर से भी काफ़ी अच्छे होते हैं क्लीन होते हैं शाइनी होते हैं यह है कुछ मशीन्स जहाँ पर टेस्ट होते हैं और इनका चार्ज होता है काफ़ी ज़्यादा यह है एम आर आई मशीन एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड सी टी स्कैन तो अलग अलग तरीके के जो टेस्ट्स होते हैं वो इस तरीके की जो मशीनस होती है वहां पर होते हैं और यहाँ पर जो जा, है काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है काफ़ी ज़्यादा मनी यहाँ पर पेशेंट को देनी पड़ती है अगर सर्विसेज लेनी है तो ठीक है टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ अगर हम प्राइवेट फैसिलिटीज़ की बात करें आज के टाइम पर कैन कैन बी सीन ऑल अराउंड हर तरफ देखने को मिलती है अब तो जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहां पर भी प्राइवेट फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है इनफैक्ट नाउ देर आर लार्ज कंपनीज बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि हॉस्पिटल्स तक रन कर रहे हैं एंड सम आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन जो कि मेडिसिन बनाने का काम भी करती है और उनको मेडिसिन को बेचने का भी काम करती है सेल का, का काम भी करती है मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री और हमारी कंट्री जो है वहां पर मेडिकल शॉप्स देखने को मिलती है गांव के क्षेत्र में अर्बन एरियाज में हर तरफ आप देख सकते हैं मेडिकल शॉप्स और मेडिसिन को खरीद सकते हैं ये काफ़ी अच्छा साइन भी है हमारी कंट्री के लिए कर ठीक है तो अगर हम बात करें कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं उनका कौन फंड करता है तो जैसे मैंने आपको बताया था जो पब्लिक होती है वो टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट को पैसे देती है और जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हीं टैक्सेस से जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराती है सो so वाई पे टैक्सेज टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो क्यों पे करते हैं सो गवर्नमेंट यूज टैक्स मनी तो जो गवर्नमेंट होती है हमारी जो भारत सरकार होती है वो इस टैक्स के पैसे को क्यों यूज करती है फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज अब पब्लिक सर्विसेज ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर सर्विस पब्लिक सर्विसेज होती हैं पब्लिक सर्विसेज और भी होती है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन सम सर्विसेज सच एस डिफेंस अगर हम डिफेंस की बात करें अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए एयरफोर्स ठीक है आर्मी और जो नेवी होती है तो इस तरीके की जो डिफेंस होती है उसको रन करने के लिए ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है टैक्स लेती है पुलिस ये पुलिसिंग है ठीक है इनकी सैलरी जाती है तो वो टैक्स से ही जाती है जुडिशियल सिस्टम हमारे जो भारत देश का जुडिशियल सिस्टम है वहां पर जो सैलरीज जाती है तो वो भी टैक्स के पैसे से जाती है हाईवे जितने भी ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है हाईवेज बनते हैं बिल्डिंग्स बनती है जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है तो ये सारे के सारे जो है टैक्स के पैसों से ही किया जाता है द सिटीजन कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर दैम अब क्योंकि ये गवर्नमेंट करती है सिर्फ गवर्नमेंट ही कर पाती है इतने लार्ज स्केल में काम कोई इंडिविजुअल या फिर सिटीजन जो है इस तरीके की काम नहीं कर पाते खुद से अगर वो काम करें तो इसलिए जो है हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को ताकि वो सारी की सारी जो सर्विसेज हैं हमको एज अ इंडियन सिटीजन हमको प्रोवाइड करवा सके अगर हम बात करें और टैक्स का यूज कहाँ पे किया जाता है तो जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं जो सर्विसेज होती है जो कि गवर्नमेंट चलाती है पुअर पीपल के लिए विमेन के लिए ओल्ड पीपल के लिए तो उनके लिए जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम होते हैं उनमें भी टैक्स का काम होता है जैसे एजुकेशन सर्विसेज होती हैं ठीक है स्कॉलरशिप्स होती हैं हेल्थ केयर की अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनको चलाने के लिए सरकारी स्कूल्स को चलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट सोशल वेलफेयर के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए सब सब में टैक्स फंड का यूज़ होता है रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स ठीक है टैक्स मनी इज़ यूटिलाइज फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर अब फॉर एग्जाम्पल अगर जो इस तरीके से फ्लड आ जाती है अर्थक्क आ जाता है बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है और जो है बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं तो इसी टैक्स के जो पैसे होते हैं उनको रिलीफ फंड के लिए यूज किया जाता है इनको रिलीफ और रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेकर जाया जाता है ताकि इनको जो है वहां पर अच्छे तरीके से इनका देखभाल किया जा सके ठीक है सुनामी के टाइम पर ये सारी चीजें स्पेस न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रिलीवेंट कलेक्टेड बाय द टैक्सेज सो गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम मार्केट अब गवर्नमेंट ये सारी के सारी जो चीजें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं अब जो गरीब लोग होते हैं उनको अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मिनिमम वहाँ पर पैसा देखने को मिलता है तो जो गरीब लोग हैं वो भी उनको परचेज़ कर पाते हैं उन सर्विसेज को इसलिए गवर्नमेंट जो है अपनी ड्यूटी को जो प्राइमरी ड्यूटी है कि भाई वेलफेयर करना है पूरे इंडियन सिटीजन का तो वो कर पाती है तो हेल्थ केयर के एग्जाम्पल्स हमने देखा कि किस तरीके से प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम और गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम अलग होता है और वहाँ पर किस तरीके से फंक्शन किया जा सकता है अगर आपके माइंड में कोई और एग्जाम्पल आ रहे हैं तो वो भी आप हमको बता सकते हैं ठीक है कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स का यूज किन किन क्षेत्रों में करती है आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया है अगर आपको टॉपिक और वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर हैव अ गुड डे बाय बाय